राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहुंच गई है। लगातार राहुल गांधी की यात्रा आगे बढ़ रही है और कई राजनीतिक दल भी इस यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस इस यात्रा के बहाने आरएसएस और बीजेपी को घेरने में लगी है, बल्कि कांग्रेस का तो यहां तक कहना है कि आरएसएस और बीजेपी इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं। वो चाहते नहीं है कि यात्रा इस तरह आगे बढ़ते रहे, तभी तो बीजेपी कोरोना का बहाना बनाकर इस यात्रा पर ब्रेक लगाना चाहती है। खैर, कांग्रेस के आरोपों से इतर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आरएसएस और देश के पीएम ने कभी ना तो इस यात्रा का विरोध किया है और ना ही इस यात्रा की आलोचना की है। इसमें क्या बात है, मैं भी धन्यवाद करूंगा। एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में, प्रशंसनीय बात है, इसमें खराब बात क्या है? आलोचना किसने की है? अभी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं, संघ में किसी ने आलोचना की है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके पद यात्रा की आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा, तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम तो। आप यात्रा का स्वागत करते हैं? यात्रा का स्वागत नहीं, यात्रा हो रही है। मैं तो कहता हूँ आप सबको भी और हिंदुस्तान की पदयात्रा करके भारत का अध्ययन करना चाहिए, आप सब पत्रकारों को। चंपत राय के इस बयान के बाद तो ये पक्का हो गया कि कांग्रेस के पास अब आरएसएस और पीएम पर आरोप लगाने का कोई साधन नहीं बचा, क्योंकि चंपत राय ने साफ कर दिया कि आरएसएस ने यात्रा की कभी भी आलोचना नहीं की। इस वीडियो के लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।